हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिन दीवान आपका स्वागत करता हूं। और भाई, इस वीडियो में हम बात करेंगे जापान के ई वीज़ा के बारे में फॉर इंडियन पासपोर्ट होल्डर। अब बोलोगे यार झूठ बोल रहा है, इंडियन को तो भाई स्टिकर वीज़ा लेना पड़ता है। अभी तो कुछ दिन पहले मैंने वीडियो भी बनाई थी, लेकिन भाई इंडियन पासपोर्ट होल्डर को ई वीज़ा भी मिल सकता है, लेकिन उस पर कंडीशन है। जो भाई यूएई में रहते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई, अबू धाबी, शारजा, जहाँ पे भी रहते हैं, उनके पास एक वैलिड रेजिडेंसी है यूएई की, रेजिडेंसी परमिट बोलते हैं जिसको, है ना, वो पासपोर्ट पे लगता है स्टिकर, वो आपका वैलिड है। और एक आईडी होती है आपकी, जो रेजिडेंसी की आईडी बनती है, वो अगर आपके पास है तो भाई आप जापान का ई वीज़ा ले सकते हो। दोबारा बता रहा हूँ भाई, इंडियन पासपोर्ट होल्डर जिनके पास यूएई की रेजिडेंसी है वो ई वीज़ा ले सकता है जापान का। तो इसी वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे इसी चीज़ के बारे में। सबसे पहले आप एक बार ये देखो भाई, ये एक वीज़ा अप्रूव्ड हुआ है, ये आप देखो, ये एक वीज़ा अप्रूव हुआ है भाई, यूएई में रहते हैं भाई साहब, इनका अप्रूव हुआ है। तो ये ई वीज़ा जो है आप लोगों को भी मिल सकता है, आप लोग भी इस पर ट्रैवल कर सकते हो। और इसकी कुछ कंडीशंस हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं, कहाँ पर अप्लाई करना है, क्या इसका प्रोसेस है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी की सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आप लोग खुद ब खुद कैसे अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आपको सर्विस चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। आपको जापान का ई वीज़ा मिल जाएगा, जैसे कि इन भाई साहब को मिला है, अगर आपके पास यूएई की रेजिडेंसी है। तो पूरा प्रोसेस वीडियो में देखना भाई, चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर। और अगर हाँ, तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हो भाई, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ जापान, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे भाई आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता होनी चाहिए जो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उससे पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये चीज़ ज़रूरी है। देखो यहाँ पे एलिजिबिलिटी इन्होंने दे रखी है, आप इसको अच्छे से पढ़ो क्या क्या इसमें लिखा है, क्या डिटेल्स आपके लिए ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सिंगल एंट्री शॉर्ट स्टे वीज़ा फॉर द पर्पज़ ऑफ टूरिज्म अप टू 90 डेज, 90 दिन तक। इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा विल बी इशू टू दोज हु अप्लाई थ्रू जापान ई वीज़ा वेबसाइट, ठीक है। ई वीज़ा ये वेबसाइट है, लेकिन इसके थ्रू ही हुआ वेबसाइट, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में। तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है भाई, और यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें मैंशन कर रखी हैं जो कि बहुत ज़रूरी है आप लोगों को पता हो ना। इसमें अब देखो, हाउ टू अप्लाई वीज़ा ऑन द जापान ई वेबसाइट, ऑनलाइन पेमेंट भी आपको उसकी करनी है और ऑनलाइन ही उसको अप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी है भाई, जब आपको ये वीज़ा इशू भी हो जाता है तो पहली चीज़ तो आप जो है बाय लैंड या फिर बाय सी पोर्ट एंट्री नहीं ले सकते, आपको वाया फ्लाइट ही जाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्लियरली मेंशन है यहाँ पे, ठीक है। तो वाया फ्लाइट आपको जाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे देखो आप, वीज़ा इशुएंस नोटिस एट द एयरपोर्ट इन इंटरनेट एनवायरनमेंट, पीडीएफ डेटा स्क्रीनशॉट प्रिंटेड कॉपी विल नॉट बी एक्सेप्टेड। मतलब जैसे क्या होता है कि आपके पास ई वीज़ा आ जाता है ना, मोस्टली केसेस में क्या होता है कि हम ई वीज़ा किसी भी कंट्री में जाते हैं तो शो करते हैं, प्रिंट आउट शो कर देते हैं, लेकिन इसका प्रिंट आउट एक्सेप्टेबल नहीं है भाई। आपको वीज़ा इशुएंस नोटिस दिखाना पड़ेगा कि हाँ आपको वीज़ा इशू हुआ है। और वो कैसे करना है, वो आपको यहाँ पे आप ई वीज़ा जो लिस्ट है, लिस्ट में जाके पेज फॉर डिस्प्ले वीज़ा इशुएंस नोट, वहाँ पर जाके आपको इशुएंस जो है टेम्परेरी, ये देखो नंबर यहाँ पर शो करेगा, ये आपको दिखाना है। और उसका स्टेटस आपको यहाँ पर वीज़ा इशुएंस नोटिस टू डिस्प्ले, इस पर क्लिक करके आपको आपका जो वीज़ा शो कर देगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ये दिखाना है, प्रिंटेड कॉपी एक्सेप्टेबल नहीं है, ऑलराइट। तो वो बारकोड से भी स्कैन हो जाता है और नंबर डाल के आप इसको चेक कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। अब ये चीज़ तो तब की बात है जब आपको वीज़ा इशू हो जाता है, लेकिन अभी तो वीज़ा ही इशू नहीं हुआ आपको, उसके लिए आपको क्या करना है, वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। तो भाई ये एक अलग वेबसाइट है, यहाँ पे आपको आना है और अलग पेज है ये, तो इस पे आपको वीज़ा अप्लाई करना है। अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी
फुल ऑफ ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन, चेक इन एडवांस, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, नोटिस ऑन वीज़ा एप्लीकेशन, सारी चीज़ें आप बड़े ध्यान से आप इसको पढ़ें, ठीक है। फ़ोटो की क्या रिक्वायरमेंट है, डाटा की क्या रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, स्टेप बाय स्टेप ये कैसे काम करता है, सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बता रखी हैं। ओनली ऑर्डिनरी पासपोर्ट होल्डर, ठीक है, टू अप्लाई थ्रू। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ वो आपको मैं बता देता हूँ, जो डेफिनेटली आप लोगों को भी पता होनी चाहिए, इसमें क्या लिखा है। जापान ई वी सिस्टम इज ऑन ऑनलाइन सर्विस विच प्रोवाइड अ वे टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा ऑनलाइन एंड इशू एन इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा। भाई ई वीज़ा थोड़ा सा ईजी रहता है स्टिकर वीज़ा से, ये सबको पता है, कम्प्लीट प्रोसेस पूरा आसान रहता है। एप्लीकेंट हु मीट ऑल द फॉलोइंग क्राइटेरिया में अप्लाई फॉर वीज़ा ऑन द वेबसाइट, एंड एप्लीकेंट्स हु डू नॉट फॉलो अंडर दिस तो वो अप्लाई नहीं कर सकता, मेन चीज़ ये बोल रहे हैं। एलिजिबल पर्सन कौन है भाई, एलिजिबल कौन है जो ये कर सकता है, ऑल फॉरन नेशनल पीपल हु आर नॉट सब्जेक्ट टू द वीज़ा एग्जेम्पशन मेजर्स इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ जापान एंड रिसाइड इन द फॉलोइंग कंट्रीज। ऑल नेशनल, ऑल फॉरन नेशनल, जो भी विदेशी लोग हैं हु आर नॉट सब्जेक्टेड टू द वीज़ा एग्जेम्पशन मेजर, मतलब वीज़ा की छूट जिनको नहीं है, जैसे कि इंडिया है, जापान इंडियन को वीज़ा की छूट नहीं देता, उसके लिए हमें वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, स्टिकर वीज़ा मिलता है, राइट। तो हम भी इसी कैटेगरी में आते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ जापान रिसाइड इन द फॉलोइंग कंट्रीज, जो इन कंट्रीज में रहते हैं, कौन सी कंट्रीज में, ब्राज़ील, कंबोडिया, कैनेडा, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, ताइवान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई, अबू धाबी, शारजा, बहुत सारे बंदे रहते हैं, यूके में जो रहता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो भाई इनमें जो रहता है लेकिन उनके पास रेजिडेंसी, जैसे कि यूए में मिलती है रेजिडेंसी परमिट मिलता है ना, तो वो रहता है 2 साल के लिए वैलिड, तो वो डेफिनेटली वीज़ा ले सकता है। यूके में भाई कोई काम करता है, उसके पास रेजिडेंसी परमिट है, वो भी जापान का ये भी वीज़ा अप्लाई कर सकता है। यूएस का भी है, यूएस का तो आपको पता ही है सारे, ब्राज़ील का, कंबोडिया का, मेनली कंबोडिया का भाई में जो रहता है बंदा, कंबोडिया का तो ई वीज़ा अप्लाई कर सकता है, वो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट है, इंडियन भाइयों के लिए जिनके पास रेजिडेंसी है, ठीक है। तो इस पर अलग बात करेंगे इस टॉपिक पे भी। तो सिंगापुर में, साउथ अफ्रीका में, ताइवान में, बहुत सारी हैं भाई, तो जो ये कर सकते हैं, और इनका पूरा प्रोसेस ये है। अब भाई हम आ जाते हैं मेनली कि डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है, ये चीज़ हमें पता चल गई। अब हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। तो भाई यहाँ पे लिस्ट आपके सामने आप देख सकते हो, ये लिस्ट है भाई, पासपोर्ट, आपका एक फ़ोटो रिसेंटली यानी कि 6 महीने ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, एमिरेट्स आईडी, आपकी फ्रंट और बैक, टेक अ फोटो, स्कैन ऑफ ओरिजिनल आईडी, ई डॉक्यूमेंट इज़ नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है, फोटो आपको लेके अपलोड करना पड़ेगा। आइटनरी, ट्रैवल आइटनरी विद फ्लाइट इन्फॉर्मेशन, फ्लाइट और ट्रैवल आइटनरी ये दोनों हो गई कंपलसरी। पर्सनल यूएई बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ्स, जो यूएई में काम करते हैं भाई यूएई की लगेगी, इंडिया की नहीं लगेगी, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि आपका जॉइनिंग लेटर या फिर कंपनी जो आपको जॉइनिंग लेटर देती है वो, एंड सैलरी स्लिप, अगर उसी में मेंशन रहता है, कई बार उसकी जॉइनिंग लेटर में मेंशन रहता है और सैलरी स्लिप लगेगी भाई इसके अलावा, वो भी आपको देनी पड़ेगी। स्केड्यूल ऑफ स्टे, वहाँ पे आप कितने दिन का स्टे करेंगे तो ट्रैवल आइटनरी में आ जाता है पूरा, वो आपको देना पड़ेगा। होटल इन्फॉर्मेशन, जिस होटल बुकिंग आप करोगे उसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट टू प्रूव लीगल रेजिडेंसी, रेजिडेंसी वीज़ा, रेंटल एग्रीमेंट या जो भी आपके पास है वो आप डालो, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है भाई इसकी, जो भाई, दोबारा सुना भाई, जो भाई दुबई में रहते हैं, इंडियन पासपोर्ट है, रेजिडेंसी जिनकी वैलिड है, वो इस ई वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं भाई, वो कैपेबल हैं इस वीज़ा, ई वीज़ा के लिए, ठीक है। तो कैसे ये करना है आपको भी पता चल गया, किस वेबसाइट पे करना है वो भी आपको पता चल गया, और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, उसके बाद आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। एम्बेसी फ़ी आपको ऑनलाइन पे करनी है, देखो वो एक अलग प्रोसेस है कि कैसे क्या करना है, वो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से लोगों से शेयर करोगे तो देन हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे जरूर। किसी भी भाई को ये सर्विस चाहिए, ई वीज़ा की सर्विस चाहिए किसी भाई को जो यूएई में रहते हैं, उनको अप्लाई करवाना है, तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, आपको इंस्टा पे फॉलो करना है, मैसेज करना है, वहाँ पे आपको डिटेल्स हम शेयर कर देंगे,
नॉमिनल चार्जेस के थ्रू आप ये वीज़ा ले सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो बड़े ही आसानी से आप ये वीज़ा ले सकते हो। और रिक्वायरमेंट जो है भाई, डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट इन्होंने मांगे हैं। अपनी तरफ से हम कुछ भी ऐसे जो फ्रॉड डॉक्यूमेंट है वो नहीं बनाते, ना हम किसी को रिकमेंड करते। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको शेयर करने पड़ेंगे, तभी आपके लिए ये वीज़ा मिलेगा। तो ये था इसका पूरा प्रोसेस भाई, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई डाउट रहता है भाई, कुछ भी आपको चाहिए, तो आप इंस्टा पे फॉलो और मैसेज कर सकते हो। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर ट्रैवल इन्फॉर्मेशन के साथ, जो आप लोगों के काम आती है जब आप ट्रैवल करते हैं, तो जब आप वीज़ा लेते हैं, तो जब आप इमिग्रेशन क्लियर करते हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आती रहती हैं। आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना और भी भाइयों के साथ, ताकि इन्फॉर्मेशन शेयर होती रहे, लोग ट्रैवल स्मूथली कर पाएँ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।